आए दिन शहर में मनपा प्रशासन द्वारा लिए गए आदेशों से मकान मालिक की मौत हुई है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक का शव मनपा कार्यालय परिसर में रखा था, जिसके चलते खलबली मची हुई है। मनपा प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग मृतक के परिजनों ने की है। आए दिन शहर में गरीबों की आशियानी को प्रशासन द्वारा बेघर करने का काम हो रहा है, जिसके चलते बेघर हो रहे मकान मालिकों को काफी सदमा पहुंचा है और इसमें ही उनकी मृत्यु भी हो रही है। जी हां, ऐसी एक घटना पूर्व नागपुर में हुई है, जहां पर एक मकान मालिक की प्रशासन द्वारा दिए गए मकान खाली कहने के आदेश से सदमा पहुंचा और उस सदमे में ही उनकी मौत हुई। मृतक के परिजनों ने और रिश्तेदारों ने मृतक के शव को शमशान भूमि में न ले जाते हुए सीधे मनपा के कार्यालय परिसर में रख दिया। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व नागपुर में लोगों ने लेआउट की जगह खरीद कर वहां पक्के मकान बनाए थे, लेकिन मनपा ने उक्त जगह क्रीड़ा संकुल और सिम्बोसिस को 1 रुपया स्क्वायर फीट से 2014 में मनपा ने हैंडओवर किया था, लेकिन ये प्रक्रिया होने के पहले से लोगों ने लेआउट की जगह खरीद कर लाखों रुपए खर्च कर वहाँ पर पक्के मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन मनपा प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा पक्के मकान को जमीन दोस्त करके क्रीड़ा संकुल और सिम्बोसिस को देने की खबर अखबार में चलाई, जिसके बाद उस सदमे में मकान मालिक की मौत हुई है। मृतक के परिजनों को न्याय दी और दोषी मनपा प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई होकर उन पर हत्या का मामला दर्ज कराए, ऐसी जानकारी बीसीएन समक्ष लोगों ने दी है। मनपा के द्वार पर जो है पार्थिव शरीर लेके आप आए हो, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली महानगर पालिका आयुक्त और महापौर इन्होंने मिलकर यह की हुई हत्या है, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों ने पसीने से किए हुए कमाई से प्लॉट खरीदे हैं और वहाँ पर घर बनाए हैं, और वहाँ पर घर बनाने के बाद में 2014 में महानगर पालिका ने वह जगह क्रीड़ा संकुल और सिम्बोसिस को हैंडओवर की, और वहाँ पे जो लोग रहते थे उसमें उनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, या फिर झूठा प्रस्ताव लेकर उनको हैंडओवर की है, वह भी नाम मात्र 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अभी वहाँ रहने वाले लोगों के घर तोड़ने के तभी उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन तब हम रास्ते पे उतरे, उनको रोके। 2015-16 को आंदोलन हुए, 2017 को आंदोलन हुए, और उसके बाद वह बात थोड़ी रुकी हुई थी। अब महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद में हमने मुंबई में मीटिंग ली और इनकी पूरी जगह छोड़ने की बात हुई थी। तब सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले जी थे, सम्माननीय पालक मंत्री नितिन जी राउत थे, सुनील जी केदार थे, और इन सबके सामने वह बात हुई थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नगर रचना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मनपा आयुक्त थे, कलेक्टर थे, NMRDA के आयुक्त थे, और इन सबके सामने यह डिस्कशन हुआ था और इनके जगह छोड़ने की बात हुई थी। लोग खुश थे कि हमारी जगह हमें मिल रही करके, और कल फिर से इन्होंने एक मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद आज के पेपर में न्यूज़ आई कि यह जगह खाली करने वाले है करके। तो जब वो पेपर पर न्यूज़ आई तो सब लोगों में एक खलबली सी मच गई और इधर से उधर वह न्यूज़ होने लगी। सुबह से 6 बजे से मुझे भी काफ़ी कॉल आने लग गए थे, और 9 बजे ऐसे यानी सुनने में आया कि 8:30 बजे ये अपने घर को पानी मार रहे थे, तब इनके प्लम्बर ने आकर उनको वह न्यूज़ व्हाट्सएप पर दिखाई, और जैसे ही उन्होंने वह न्यूज़ देखी तो उनको घबराहट सी होने लगी, और थोड़ी देर में ही उनका मृत्यु हो गया है। तो वह मृत्यु नहीं है, हत्या है, और इसको जवाबदार जो मनपा आयुक्त है दयाशंकर तिवारी, सॉरी मनपा आयुक्त है राधाकृष्ण पल्लवी और दयाशंकर तिवारी जो इसके लिए जवाबदार है, उन्होंने पहले उस मृतक को के परिवार को मुआवजा देना चाहिए, और इनके सब लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनके घर यानी कायम करने चाहिए, नियमित करने चाहिए, और जो जगह उन्होंने क्रीड़ा संकुल को दी है वह ठहराव रद्द होना चाहिए, वह आरक्षण रद्द होना चाहिए, यह हमारी मांग है। और जब तक कि वे सामने आकर ये नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं, चाहे रात भर हमें यहाँ रहना पड़े तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैडम, जो है ये पूर्व नागपुर का जो मुद्दा है, पूर्व नागपुर में इस तरीके से इसके पहले भी जो इनके ऊपर जो दबाव है, जो गरीब लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए थे, एक लेआउट था, लेआउट धारकों ने प्लॉट बेचे और लोगों ने प्लॉट लिए, बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब प्रक्रिया जो हुआ है, तो उसमें जो ये गरीब जनता है इन्होंने अपने 20-25 लाख रुपए जो अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी रहती, अपनी पूंजी को उन्होंने जमा करके वहाँ पे वो
अपना प्लॉट उन्होंने बनाया, उसको बना के अपना कैसा तो भी गुजर निर्वाह जो है जिंदगी भर का गुजर निर्वाह जो एक सर्वसामान्य जो जनता रहती वो अपने जिंदगी भर उसको अपना परिवार को पालने के लिए वो लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से अभी क्या मांग है आपकी, मतलब आप आज जो अभी लेकर हमारी तो आखिरी में यही मांग है कि जो ये अंकल है इनकी जो जान गई है, जो सवेरे सुने इन्होंने बातमी, और ये महापौर की तानाशाही है, जो अभी नया नया महापौर आए इनकी तानाशाही है, और जो इनके उसूलों पर चलने वाले जो आयुक्त है उनकी भी ये तानाशाही है। अभी तक जो मुद्दा सन्मान्य महाविकास आघाड़ी के जो नेताओं ने सन्मान्य नेताओं ने इनको पारित किया था, पर उनको भी कहीं ना कहीं काली इन्हें लगाने का काम है महापौर और इनकी हिटलर शाही आप देख सकते हो। इसीलिए इनके हिटलर शाही के विरोध में आज वो अंकल की जान गई है। इसीलिए हमारा इतना ही बोलना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और ये सर्वसामान्य जो जनता है इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके हक की इनके हक के जो घर है इनको मिलने चाहिए। इसीलिए जितना भी देर लगेगा महापौर को यहाँ पे आना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनका जान का मुआवजा इनको देना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और इनको जो जिनके घर है वो उनको वैसे के वैसे रहने चाहिए, इतनी हमारी मांग। जो है मांग की जा रही है कि जो अंकल की जान गई है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए, और जो जिनके घर है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। जब तक यहाँ पर मनपा आयुक्त और महापौर जो है आते नहीं और कुछ आश्वासन देते नहीं, तब तक यहाँ से न हिलने का भी इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।